Hello everyone, welcome to Knowledge Shark. I am Kriti Srivastava. Our today's topic is nature and significance of management. सबसे पहले जिन्होंने भी Knowledge Shark को subscribe नहीं किया है, please कर दीजिए and don't forget to hit the bell icon, जिससे आपको मेरी आने वाली videos की सारी updates मिलती रहेंगी. इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो 8th से 12th क्लास तक की होगी, जिसमें आप ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं और अगर कोई स्पेसिफिक क्लासेस लेना चाहें वो भी ले सकते हैं. क्लासेस आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है. एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट us on WhatsApp number 9868771960. तो आज की वीडियो में हम क्लास 12th बीएसटी एनसीईआरटी की बुक पार्ट 1 का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे. इस वीडियो में हम तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे. पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब है कि हम कोई काम किसी और से या फिर अपने द्वारा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करें ताकि हम एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके. इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. अब इस डेफिनेशन के अंदर ऐसी तीन और वर्ड्स हैं जिसको आपकी बुक में और इलैबोरेट किया गया है. पहला है प्रोसेस. प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जो मैनेजमेंट परफॉर्म करती है जिससे वो अपने काम को, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके. इसमें जो फंक्शंस आते हैं वो होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. सो प्रोसेस मीन्स फंक्शन परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट टू गेट थिंग्स डन. The second word or the second term is effectiveness. It means completion of task on time. इसका मतलब है कि हम किसी भी काम को एक limited given amount of period of time में complete करें. The third one is efficiency. It means completion of task correctly with minimum cost. इसमें हमें काम तो करना होता है बट हमें उस काम को सही तरीके, सही मायने में करना होता है और मिनिमम कॉस्ट में करना होता है. सो आई होप मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा. सो नेक्स्ट स्लाइड में है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. फीचर्स कह लीजिए या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब दोनों का सेम ही है. सो मैनेजमेंट के टोटल 7 फीचर्स होते हैं. सो द फर्स्ट फीचर इज परवेसिव. परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल. इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट है वो हर जगह एप्लीकेबल है. कुछ बाउंड्रीज, कोई लिमिटेशंस नहीं है. वो एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में भी एप्लीकेबल है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में भी है, बिजनेस, नॉन बिजनेस, इवन इन स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, क्लब्स, हर जगह मैनेजमेंट होती है. विदाउट मैनेजमेंट कुछ भी पॉसिबल नहीं है. सो द फर्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज दैट इट इज परवेसिव इन नेचर. द सेकेंड वन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग फंक्शन है. ऐसा नहीं है कि हम कोई एक फंक्शन करेंगे, वो फंक्शन फिर कभी भी आगे रिपीट नहीं होगा. नहीं, वो रिपीट होगा. जैसे कि पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग के बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी. हम फिर कुछ नया प्लान, किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर प्लानिंग करेंगे, उसके ऊपर हम फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब कुछ होगा. सो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. Now the third one is intangible. Intangible का मतलब होता है कि हम देख नहीं सकते. It is not visible, but हम उसकी presence को feel कर सकते हैं.
और हम उसको फील कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी कंपनी में, किसी स्कूल में मैनेजमेंट है नहीं है, हमें वहाँ की वर्किंग कंडीशन से पता चलेगा, एम्प्लॉयज की बिहेवियर से पता चलेगा। इन सब छोटी छोटी चीजों को देखकर हम पता लगाते हैं कि मैनेजमेंट है या नहीं है। नाउ द फोर्थ वन इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है कि कोई एक ऑब्जेक्टिव होना। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी गोल, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के तो काम नहीं करेगी, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर गोल तो जरूर होगा। तो मैनेजमेंट का काम होता है कि उस गोल तक अचीव करना अपने आप को, कि मेरा फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कंपनी खोली, अब मेरा गोल है कि मुझे इस मंथ के एंड तक 50 लाख की सेल करनी है, तो अब मैं ऐसे हवा में तो कुछ नहीं होगा। आई नीड टू मेक अ प्लान, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन होएगी, प्रॉपर मैनेजमेंट होएगी, तभी जाके वो चीज फुलफिल होएगी, मेरा गोल, मेरा जो प्रॉपर एम है, तभी वो अकम्प्लिश हो पाएगा। इसलिए मैनेजमेंट को हम गोल ओरिएंटेड भी बोलते हैं। सो द फिफ्थ फीचर इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है विद थ्री मेन डायमेंशंस। मल्टी डायमेंशनल के अंदर भी और तीन मेन डायमेंशंस आती हैं। पहला डायमेंशन है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। हर ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से एग्जिस्ट करता है, और जो मैनेजमेंट होती है वो किसी काम को प्रॉपर गोल में कन्वर्ट करती है और एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि एम्प्लॉयज उस गोल को इजीली अचीव कर पाए। द सेकेंड वन इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ह्यूमन रिसोर्सेस एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट्स होता है। सो मैनेजिंग ऑफ पीपल हैज टू डायमेंशंस। या तो हम डील करते हैं एम्प्लॉयज के साथ एज एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स इंडिविजुअल विद डाइवर्स नीड। हम एक एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं और उस एम्प्लॉय की अलग अलग नीड्स हैं, डिफरेंट नीड्स हैं। द सेकेंड वन इज डीलिंग विद एम्प्लॉय एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप से बात कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय से बात कर रही हूँ जिनका नीड सेम है, कि उनको रेम्यूनरेशन चाहिए या उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उनका एक पर्टिकुलर रीजन है। एंड द थर्ड वन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट है वो एक इनपुट लेती है, टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोसेस करती है उस इनपुट को और एक डिजायर्ड आउटपुट में उसको बाहर प्रोवाइड करती है टू द कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक बिस्किट की कंपनी है। अब उस बिस्किट की कंपनी ने ये देखा कि उसका जो चॉकलेट फ्लेवर बिस्किट है वो बाहर की पब्लिक को, कस्टमर्स को, वो सबसे ज्यादा पसंद आती है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप चॉकलेट फ्लेवर पसंद आ रहे तो हम डायरेक्ट चॉकलेट सिरप दे दें। नहीं, हमें उस बिस्किट के अंदर उस फ्लेवर को डालना होगा और वो चीज प्रोवाइड करनी होगी। तो इनपुट यहाँ पर हुआ लोगों के ओपिनियन, लोगों का फीडबैक, टेक्नोलॉजी हुई चॉकलेट को बिस्किट के साथ मर्ज करना, एंड आउटपुट हुआ एक प्रॉपर पैकेट ऑफ बिस्किट। सो दिस मीन्स मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। नाउ द सेकेंड लास्ट फीचर इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है चेंजिंग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती रहती है एज पर देयर चेंजिंग एनवायरमेंट, चेंजिंग कंडीशंस, चेंजिंग सराउंडिंग्स। वो अपनी मैनेजमेंट को उसी तरीके से चेंज करती है जैसे बाहर की सराउंडिंग्स है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है, उसके पहले उतने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं थे जितने अब आ चुके हैं, तो वो अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करेगी रादर देन कि वो पुरानी स्ट्रैटेजीज पे चले। ऐसा नहीं होगा, वो अपनी स्ट्रैटेजीज को, अपने प्रोडक्ट्स को एज पर द सराउंडिंग्स, एज पर द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटर्स के जो प्रेजेंट है उनकी वजह से अपनी कंपनी में, अपने प्रोसेसेस में चेंजेस लाएगी। द लास्ट वन इज ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब है
मैनेजमेंट अपना जो गोल है, जो एम है, उसको एक ग्रुप की हेल्प से अकम्प्लिश करेगा, अचीव करेगा। इसके अंदर एक मैनेजर या दो मैनेजर या मैनेजर्स डिफरेंट इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को कंबाइन करते हैं ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इजीली अचीव कर सके। सो हियर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड्स एंड नाउ दीज सेवन फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेपर। अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली नहीं आते हैं, वो इनडायरेक्टली आते हैं। सो आपको हर एक टीचर के इन डिटेल में मालूम होना चाहिए कि वो क्या बताना चाहता है। क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते, सीबीएसई पेपर अपना डायरेक्ट सेट नहीं करता। सीबीएसई के पेपर्स मोस्ट प्रोबेबली केस स्टडीज पे बेस्ड होती हैं एंड केस स्टडीज इज ऑल अबाउट डीप मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। सो नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर टोटल थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना ऑब्जेक्टिव के तो काम नहीं करेगी, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के साथ साथ और कौन सी चीजों का ध्यान रखती है कि उनको पता चल रहा है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो रहा है। पहला हो गया प्रॉफिट, द सेकंड वन इज सर्वाइवल एंड द थर्ड वन इज ग्रोथ। प्रॉफिट हुआ कि हम कितना रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं अपनी एक्सपेंस को काट के। सर्वाइवल हुआ कि हाँ मेरा कब तक चांसेस हैं कि मैं इस इंडस्ट्री, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अपनी कंपनी को सेटअप करके रख सकती हूँ, सेव करके रख सकती हूँ। एंड द ग्रोथ इज कि हर पीरियड एक प्रॉपर पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम गैप के बाद क्या मेरी कंपनी में कोई ग्रोथ हुई या नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ग्रोथ मेरी 2005 में थी अब मैंने जब 2006 में कंपेयर किया तो कुछ ग्रोथ ही नहीं हुई, तो वो वेस्ट है। तो हमें ग्रोथ, प्रॉफिट और सर्वाइवल इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ये तीन चीजें भी कंसिडर होती हैं। द सेकेंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बाहर की डेवलपमेंट, सोसाइटल डेवलपमेंट में भी हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, उसने ये डिसाइड किया है कि मैं अपने 5 एम्प्लॉयज विडोज रखूंगा या फिर सिंगल पेरेंट्स रखूंगा, तो ये साथ साथ एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो गया और एक सोसाइटी के लिए उन 5 लोगों को एक उसने डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में भी हेल्प कर दी, उन 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल गई। तो उसने एक सोशल नीड, एक सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर दिया। द लास्ट वन इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में, हमने पहले ही बात करी है कि ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल एसेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि वो पर्सनल लोगों की पर्सनल नीड्स को, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करें। अब कोई भी एम्प्लॉय सिर्फ पैसों के लिए, मॉनेटरी वैल्यू के लिए काम नहीं करता है, वो चाहता है कि उसको वहां पे रिस्पेक्ट मिले, उसको क्लीन ड्रिंकिंग फैसिलिटीज मिले, मेडिकेशन प्रॉपर मिले, अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी ग्रोथ हो, सब कुछ हो। तो सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू टर्म नहीं है कि हम किसी कंपनी में काम करेंगे, हमें और भी चीजें अपनी पर्सनल नीड्स भी पूरी करवानी होती है या हमें चाहिए होता है कि वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए करे। सो दीज आर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो थैंक यू एवरीवन, यहाँ पे आपकी वीडियो एंड होती है। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो आपको। इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज एक बार अपनी एनसीईआरटी बुक को 2 to 3 times थॉरली रीड करें और केस स्टडी वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ट्राई करें, बिकॉज बोर्ड के पेपर में सीबीएसई जो क्वेश्चन सेट करती है वो बेसिकली केस स्टडी से सेट करती है। केस स्टडी होती है ऑलमोस्ट आपका जो पैटर्न चल रहा है, एंड जो क्वेश्चंस होते हैं केस स्टडी के वो ऑलमोस्ट इन टॉपिक्स में से आते हैं। सो मेक श्योर कि आपको
हर वर्ड का प्रॉपर मीनिंग पता हो ताकि आप केस स्टडी को इजीली सॉल्व कर पाए। थैंक यू वंस अगेन।